बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी कासिम अली शाह साहब, हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं। प्रोग्राम में सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर, स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए? अच्छा, मेरा कहना ये है कि वो जमाना जब हम बच्चे थे, आप छोटे थे, तो जरा याद कीजिए हम कितना इस्तेमाल करते थे। चीजें थी नहीं, ये सब चीजें नहीं थी। हमें सुबह के वक्त में कहीं बीटीवी लगा के चाचा जी यानी मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के कार्टून का इंतजार करना पड़ता था, और फिर 24 घंटे के इंतजार के बाद कार्टून अवेलेबल होते थे। और टीवी ऑन होने का टाइम था, ट्रांसमिशन का टाइम था, एक टाइम के बाद टीवी ऑफ हो जाता था। बकायदा टीवी ऑन होने के बाद की कितनी देर आवाज आती थी, उसके बाद तिलावत की आवाज आती थी, जिंदगी स्लो थी। ये तमाम चीजें हमारी जिंदगी को किसी हद तक स्पीड दे रही थी। गैजेट्स आए, टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी आने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन टेक्नोलॉजी की स्पीड के साथ चला भी नहीं जा सकता। आपको लर्न करना है, बामकसद इन्हें इस्तेमाल करना है। कहीं ऐसा ना हो, बल्कि होने लग पड़ा है कि ये चीजें हमें इस्तेमाल करने लग पड़ी हैं। अब हमें इस्तेमाल कर रही हैं और हमारे बच्चों को हमसे ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं ये टेक्नोलॉजी। कभी आप हाला के आया के हवाले बच्चा करते थे, आज आप बच्चा मोबाइल फोन के हवाले करने लग पड़े। बिल्कुल। और मोबाइल फोन इतना बड़ा एंटरटेनर है, उसमें एक पूरा समुंदर पड़ा, ग्लोबल सारी दुनिया विलेज बन चुकी है, और डाटा इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। बच्चे छोटे छोटे सर्च करना सीख लेते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, और चीजें निकालने लग पड़ते हैं। अब नतीजा ये होता है कि जो मोबाइल फोन की स्पीड है, चीजें निकलने की स्पीड है, रिजल्ट्स आने की स्पीड है, वहां पर गेम्स में, चीजों में, वीडियोस में, कार्टून्स में, जिंदगी में वो स्पीड नहीं है। जब भी आपके माइंड ने यह सीखा कि चीजें तो तेजी से हो जाती हैं, और हकीकत में जब वो नहीं होती तो चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। आप वो तमाम बच्चे जो मोबाइल फोन की एडिक्शन जिन्हें लग चुकी है, एडिक्टेड हो चुके हैं, उनको चिड़चिड़ा, गुस्सीला, रिएक्टिव देखेंगे। ये बहुत बड़ा साइन है। मेरे पास कोई बच्चा लेकर आए और कहे कि जी मेरा बच्चा बड़ा रिएक्टिव है, गुस्सा करता है, चीजें तोड़ता है, एकदम रिएक्ट कर देता है, उसकी बड़ी वजह जो मैंने ढूंढी है, उन्होंने मोबाइल फोन दिया होता है, मोबाइल फोन के हवाले किया होता है। अब ये बताऊं कि ये जिसके हवाले किए दुश्मन है, आप क्या अपना बच्चा दुश्मन के हवाले कर सकते हैं? क्या किसी गैंगस्टर के हवाले कर सकते हैं? ये दुश्मन और गैंगस्टर से ज्यादा बदतरीन है। शायद कोई अल्लाह ना करे कोई अगवा हो जाए, बच्चा मर जाता है, मर्डर हो जाता है। ये गैजेट्स बच्चे को एक दिन में नहीं मारते, ये मारते 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 स्लो पॉइजनिंग है। उसकी साइकी तबाह कर देते हैं, उसके सोचने का अंदाज तबाह कर देते हैं, उसका जिंदगी देखने का अंदाज तबाह कर देते हैं। सो होता क्या है, ये पहला नुकसान तो मोबाइल फोन एडिक्शन का ही हो जाता है कि बच्चे एंग्जाइटी के, चिड़चिड़ेपन के, रिएक्टिव अप्रोच के आदि हो जाते हैं। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान भी, दूसरा नुकसान जो देखा गया, ऐसे बच्चे आइसोलेट हो जाते हैं। बच्चे को सोशल होना चाहिए, बच्चे को बाहर की दुनिया के साथ सुनना, देखना, बात करना चाहिए, लेकिन बच्चा जब मोबाइल फोन के साथ जुड़ा रहता है तो ये इतनी अट्रैक्टिव दुनिया है, ये इतनी कलरफुल है, इसमें इतना कुछ है कि बच्चा कहीं बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट कर देता है। तो ऐसे बच्चों को आप देखेंगे वो अकेले बैठेंगे, अकेला रहना चाहेंगे, मोबाइल फोन को खाना लेंगे साथ मोबाइल फोन, फिर ऑन कर लेंगे, जहां बैठेंगे दोबारा गैजेट को, चीज को, किसी को ऑन कर लेंगे। अब होता क्या है, माँ बाप ना आरे लगाना चाहते हैं। आपको पता है एक पूरा सर्वे किसी वक्त में हुआ कि जल्दी स्कूल दाखिल क्यों करवाया जाता है बच्चों को, उसकी बहुत बड़ी वजह यह कि हमारी बहनें, माएं, वो जान छुड़ाना चाहती हैं कि बिले लगे स्कूल जाए, मेरी जान छूट जाए। इसी तरह ये मोबाइल फोन भी आरे लगाने का बहुत बड़ा सोर्स है। ये क्या करता है, ये जैसे ही आप बच्चे को इसके हवाले करते हैं, ये अब आप इसको हवाले करने के बाद आप शाम का अहदे वफा देखें आराम से, आप शाम के सारे ड्रामे लगा लें, आप उसके बाद अपनी लिपस्टिक सेट करें, वो नेल पॉलिश लगाएं, चीजें करें, आपको तो परवाह नहीं बच्चा क्या कर रहा है। हम कभी उठ के भी नहीं देखते बच्चा किन चीजों का आदि हो चुका है। ये बड़ी वीडियो गेम्स है, मैं तस्करे कईयों के कर, पबजी है जी, बच्चे की साइकी तबाह करने में इस गेम का बड़ा रोल है। खुदा के लिए मैं पेरेंट्स से कहूंगा, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचा लें, अपने बच्चों को इन इस तरह के अजाबों से बचाएं। ये नस्ल जो आज तैयार हो रही है, ये फौरन दिखेगी नहीं, ये 10-20 सालों के बाद आपको पता लगेगा कितना बड़ा अजाब खड़ा हो गया। अभी नई नई वो नस्ल आना शुरू हुई जिन्होंने मोबाइल बचपन में देखा था और आज सामने आ रही है। बड़ों में, मैरिड लोगों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रिएक्टिव अप्रोच, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, बायपोलर और पता नहीं क्या क्या बीमारियां बड़ों में नजर आ रही हैं। ये बीमारियां इसके होते हुए बढ़ती हैं। ठीक। इसका एक मकसद है दुनिया में, कम्युनिकेशन,
इबलाग। अच्छा एक और बीमारी भी है ना, हम बड़ों के साथ क्या है, मैं सुबह फोन ऑन करता हूं, हजारों मैसेज डेली फॉरवर्ड आते हैं जिनका ना सिर है ना पैर है। एक बंदा है मुझे सुबह सुबह भेजता है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। अच्छा मैंने कहा बड़ा मोहब्बत करता है मुझे भेजता है, अद्धे लोड में भेज दिया अस्सलाम वालेकुम। उसने कॉपी किया हुआ, उसने तो ठक करके भेज दिया, मिला हुआ है। अगर उसको पर सलाम 100 रुपया पड़ता हो ना, मैं गारंटी से कहता हूँ किसी एक बंदे को सलाम। कासिम साहब अगला मेरा सवाल आपसे यही था जो आपने बात कर दी है, लिंक दे दिया है कि हमारे यहाँ इतना चीप प्राइसेस पे हम लोगों के यहाँ मोबाइल इंटरनेट अवेलेबल है, इंटरनेशनली कोई एक वेबसाइट चलती है और कई नहीं चलती। हमारे यहाँ तो जो चीज़ टिक करो, जिस चीज़ को क्लिक करो, वो आगे आपको हज़ारों चीज़ें दिखा रही है। रिस्ट्रिक्शन तो बिल्कुल नहीं है, जबकि इंटरनेशनली ये सब कुछ बहुत महंगा है। अच्छा मेरा कहना, मेरा मानना यह है कि बाहर की दुनिया में भी हम ट्रेवल करते हैं, वाईफाई अवेलेबल होते हैं, एयरपोर्ट अब जरूरत बन चुकी है। इसमें ये यानी शायद महंगा करेंगे तो मसला नहीं हल होगा, ये जब तक ग्रूम नहीं करेंगे और एहतियात नहीं करेंगे इसे मैनेज नहीं किया जा सकता। ये जिन है, इस जिन ने आना ही आना था, ये जिन बढ़ जाएगा आने वाले दिनों में। आपकी शॉपिंग्स आज इंटरनेट पे हो रही है, ई मार्केटिंग बढ़ी है, ई बिजनेस बढ़ा है, ई कॉमर्स बढ़ी है, आने वाले दिनों में ये और ज्यादा पेनिट्रेट करेगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि इतनी पेनिट्रेशन के बाद आपने बचना कैसे, आपकी एहतियात क्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और बीमारी का तस्करा करना चाहूंगा, बड़े बच्चे जो इंटरनेट इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, मोबाइल फोन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेते थे, क्योंकि देखिए ना ये तो एक ऐसी दुनिया, एक छोटी सी स्क्रीन है जिसके अंदर आप घुस गए, इमेजिनेशन के जरिए घुस गए, आप अपने आप को वहां पा रहे हैं, आप ग्राउंड खाली देखेंगे, आप स्पोर्ट्स में बच्चों की एक्टिविटी नहीं देखेंगे, ऐसे बच्चों को सोशली डिस्कनेक्ट, रिश्तेदारों से नहीं बात करेंगे, मिलेंगे नहीं, शाये होंगे, पीछे हटेंगे, सर दर्द बढ़ी रहेगी। आपका बच्चा सोने से पहले अगर अक्सर कहता है कि मुझे सर में दर्द है, अल्लाह ना करे कोई बड़ा मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है अगर उसको, तो जरूर देखिए कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल कितना है, क्योंकि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से एक बड़ा जो साइन है, जो सिम्टम है, वो ये है कि सोने से पहले बच्चे के सर में ज्यादा दर्द होगी। अच्छा आंखें खराब होंगी, नजर खराब हो जाएगी, ऐनक लग जाएगी वक्त से पहले, बच्चे की पर्सनालिटी में डिसऑर्डर आएगा, मेडिकली फिजिकली वो वीक हो जाएगा, इम्यूनिटी अच्छी नहीं उसकी होगी, अक्सर बीमारी की तरफ जाएगा। तो इसको हमें जिंदगियों से निकालना है किसी भी तरह, और ये अगर अजाब हमारी जिंदगियों में भी आ गया तो इसका भी एक तरीका है, ऑफ करना सीखें, इंटरनेट ऑफ करना सीखें, एक दुरानिया रखें जिसमें आपने चेक करना है। अच्छा कोई नौकरी तो नहीं है ना हर वक्त मोबाइल चेक करना है, इसके कौन से पैसे मिलते हैं, उल्टा लग रहे हैं। जब आप तय कर लेंगे कि मैंने दिन में एक वक्त ऐसा है जिसमें मोबाइल फोन चेक करना और उसके बाद नहीं करना, या दिन में 2 या 3 वक्त रख लीजिए ऐसे, या मैंने कॉल्स लेनी है और बाकी मैसेजेस बाकी चीजों को चेक नहीं करना, और ये करते ही क्या होगा, आपकी जिंदगी आपके अपने कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक, आप इसके कंट्रोल में अपना आप ना दीजिए। फिर ऑफ करने का कोई टाइम रखिए, वैसे मैं जाती जिंदगी में मेरी कोशिश होती है रात एक वक्त तक मैं ऑफ कर दू, सुबह मैंने इसको 8:30 पे ऑन करना, पहले ऑन नहीं हो सकता। वजह क्या, जो आपकी नींद है, आपकी जाती जिंदगी है, आपकी बच्चों के साथ जिंदगी है, वो खराब ना हो। प्रॉब्लम ये है कि हम इतने एडिक्टेड हैं, हमें खाना हजम इसके बगैर नहीं होता, हमारी महफिल मुकम्मल, मीटिंगें इसके बगैर मुकम्मल नहीं होती, हमें लगता है जैसे वो आपकी ही बात कि शायद कोई मिसिंग एलिमेंट था, कोई कुदरत लगाना भूल गई थी कि पैदा होते ही ये साथ वाईफाई भी लगाना चाहिए था, पैदा होते साथ एक मोबाइल फोन भी साथ आना चाहिए था, या मतलब दाइयां आके कहती कि बाजी इसको वाईफाई बड़ा अच्छा लगा हुआ, तो ऐसा तो नहीं हो सका और ऐसा जरूरी भी नहीं था। ये इंसान का टेक्नोलॉजी आई है इंसान के इस्तेमाल के लिए, लेकिन जब भी टेक्नोलॉजी की एडिक्शन होती है तो टेक्नोलॉजी इंसान को इस्तेमाल करने लगता है। अच्छा कासिम साहब, हमारे यहाँ हर मामले में मेरा ख्याल है कि कहना गलत नहीं होगा कि अवेयरनेस नहीं होती कि गुड बैड और यूज बैड के बारे में नहीं बताया जाता कि किसी भी चीज को कितना इस्तेमाल करना है, ये जरूरत है, ये सहूलत है, ये ऐसा नहीं है कि इसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। छोटे बच्चों की मैं बात करना चाहूंगी, जैसे वो 5-6 माह के होते हैं, हमारी माएँ उनको खाना खिलाने के लिए सबसे पहले उनके हाथ में मोबाइल दे देती, उसके बाद वो एडिक्टेड होना शुरू हो जाते हैं। जो चीज अवेलेबल है इजीली अवेलेबल है, अट्रैक्टिव है, इंटरटेन कर रही है, म्यूजिक है उसमें, पिक्चर्स हैं, और सबकी सब चीजें एनिमेटेड अच्छे तरीके में पड़ी हुई हैं, यानी मुमकिन है वो चीज जो ये ग्लास जो यहाँ असल में दिख रहा है एनिमेटेड इससे ज्यादा खूबसूरत दिखेगा, खूबसूरत नजर आएगा बिल्कुल। हम शायद अपनी जाती जिंदगी में इतने आपको खूबसूरत नहीं दिखते, आपको मेकअप करके ज्यादा अच्छे दिखते हैं। रियलिटी से दूर होती हैं चीजें। एनिमेटेड मोबाइल फोन पे चीजें ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं।
जब आपने बच्चे को एक ऐसी दुनिया दिखाई जो ज्यादा अट्रैक्टिव है, ज्यादा मजे में है, जिसमें चहचहाट ज्यादा है, जिसमें आवाजें ज्यादा है, जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, वो उसमें तो जाएगा। और सिर्फ माइंड का, माइंड का कोई माइंड नहीं है, माइंड आपने यहाँ लगा दिया, उसको असल में माइंड आपने नहीं दिया, तो बच्चा इस तरफ तो चला गया, अमली जिंदगी में उसका रिजल्ट फिर सिफर हो जाएगा। मेरा कहना यह है कि सख्ती कीजिए। हम जैसे बच्चा खुदा ना खास्ता किसी होज में, गटर में गिर रहा हो, तो आप कैसे भाग के उसको बचाते हैं, बल्कि धक्का मारते। ट्रेन के सामने अगर गलती से बच्चा आ जाए, ट्रेन आनी हो, तो कैसे धक्का मारेंगे बचाने के लिए। मैं कहता हूँ उस धक्के और उस पकड़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इससे बचाना। ये इतना ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि इसमें आप, उसमें तो खौफ नजर आ रहा है ना, ट्रेन लगेगी और गटर की गहराई नजर आ रही है, इसमें आपको अंदाजा नहीं है कि जो चीज, जो खतरा आप मैयर नहीं कर रहे, वो कितना बड़ा खतरा है और कितना बड़ा नुकसान आपको हो जाना है। कासिम साहब, ये आप जो बता रहे हैं कि बचाना है, पहले खुद तो बच ले। 10 लोग बैठे हुए ड्राइंग रूम में, लाउंज में, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सब लोग अपने मोबाइल पे लगे हुए। एक तूफान बदतमीजी आ गया। हमें कहीं ना कहीं लर्न करना। अब ये इसका बड़ों के लिए भी थोड़ी बातें हमें बता देनी चाहिए। आप अपनी जिंदगी को प्रायोरिटाइज करें, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं। फिर वो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको देखिए, उनके सब गोल्स के छोटे छोटे गोल्स पार्ट्स बनाइए। देखिए आज में वो क्या काम और क्या चीजें हैं जिनको मैं देखूंगा तो मेरे लॉन्ग रन गोल्स में उनका कोई रिजल्ट होगा। आपकी तरजीहात जब डिफाइन हो जाएंगी, मोबाइल फोन खुद ही निकल जाएगा। ठीक। क्या मेरा रोज इतनी बार मोबाइल फोन देखना जरूरी है? अपने आप से सवाल करें, क्या मैं इसके बगैर 6 घंटे गुजार सकता हूँ? क्या मुझे अगर एक दिन इसके बगैर गुजारना पड़ता है, मैं गुजार सकता हूँ? देखिए बाज औकात आप बाहर ऐसी जगह चले जाते हैं, या नॉर्थन एरियाज में ऐसी जगह इंटरनेट नहीं अवेलेबल या फोन नहीं अवेलेबल, सुकून होता है ना, आप रहते ही है ना, इसके बगैर जीते ही है ना। बिल्कुल। तो मेरा कहना ये कि कभी कभी अपने आप को इससे कट ऑफ करें, कभी कभी इससे काटें। अच्छा, हम लोग, मेरा ये सेल फोन है मेरे पास, 19 साल पहले यू फोन आया था, मैंने तब ये नंबर दिया था, यूनिवर्सिटी लाइफ थी, तब का नंबर आज तक वही है, एक ही नंबर है। अब एक ही नंबर 19 साल रहे, दूसरा नंबर कोई ना हो तो क्या अजाब होता है, दिन के 12-15-1800 मैसेज आते हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरे जैसा बंदा कह रहा है दिन में 99% मैसेज इनरेलीवेंट होते हैं, 99% मैसेज जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, जस्ट कॉपी पेस्टिंग होते हैं, ऐसे ही फॉरवर्ड किए गए होते हैं, उनमें कोई मैसेज नहीं होता, उनमें कोई समझ नहीं होती, भेजने वाला देखता नहीं कि जो मैं मैसेज भेज रहा हूँ इसको भेजना जरूरी भी है कि नहीं है, इसने मेरे से मांगा है कि नहीं मांगा। वो डेली उठता है, कॉपी करता है, फॉरवर्ड कर देता है। अच्छा, बड़ा बंदा कौन है, यानी जिसका मैसेज मेरे जैसा बंदा भी कर, जिसके मैसेज में कोई मैसेज है, जिसका मैसेज आया तो मुझे लाजमी पढ़ना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन हुई है, कोई काम की, मेरे लिए काम की बात आई है, मुझे उसकी वर्थ को पहचानना है, मुझे समझना है कि यार पुराने बंदे ने मुझे मैसेज भेजा है। मेरे मुताबिक जो बंदा हर दिन मैसेज भेज रहा है, मेरा माइंड या किसी भी समझदार बंदे का माइंड स्कैन करेगा, आउट कर देगा, नहीं पड़ेगा, अनरीड के ढेर पड़े होंगे। मैं मतलब दिखा नहीं सकता, अगर आपका, ये मैं तजुर्बे के लिए दिखा रहा हूँ, अगर आपकी स्क्रीन इसको दिखा पाए, कैमरामैन दिखा पाए, ये जो ग्रीन दिख रहे हैं ये अनरीड का ढेर है, ये ग्रीन अनरीड का, से चाहेंगे हम थोड़ा सा दिखा दे क्लोज करके, ये अनरीड का ढेर जो दिख रहा है ये क्यों है, ये अनरीड है सारे के सारे जी। और ये अनरीड क्यों है, ये हजारों लाखों हैं, जहां ग्रीन दिख रहा है ना वो अनरीड है। अनरीड क्यों है, ये सबके सब अनरीड जो आपको दिख रहे हैं, कोई 50 है, कोई 60 है, कोई 2 है, कोई 50 है, कोई 150 है, ये वो सारे मेहरबान हैं जिनको हम पढ़ते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते, इन्होंने ठेका लिया हुआ है सारी दुनिया को मैसेज। कासिम साहब, आपने बहुत सारे, हमने प्रॉब्लम्स की भी बात की है, इसके साथ साथ कुछ एक दो आपने टिप्स भी दी है। हमारे पेरेंट्स इतने बिजी हो गए हैं, उनके पास अपने लिए टाइम नहीं है कि हम किस तरह से जो है वो जिंदगी गुजारे, जिंदगी का मकसद ही नहीं है कि हमने क्या करना है, और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनको सिखा नहीं पाते। देखिए कुछ टिप्स है मेरी वालदैन के, जैसे मैंने कहा सख्ती करें। ठीक। ट्रेन के सामने खड़ा था, धक्का देते हैं ना, इतने सख्त हो जाएं, मोबाइल फोन बच्चों से लें और लेकर लॉकर में बंद कर दें। मैं तो कहता हूँ देने ही नहीं चाहिए, सबसे खतरनाक खतरनाक तोहफा। कितनी एज तक, बच्चा कम अज कम बालिग हो चुका हो, बाशऊर हो, अच्छाई बुराई को पहचानता हो, मिच्योर हो, उसकी जिंदगी में को बड़े टास्क और गोल्स आ चुके हो तो दे दें, ताकि फिर वो डिवर्ट ना हो। सेकंड, बच्चों को रिश्तेदारों से मिलाएं, अपने से मिलाएं, दोस्तों से मिलवाएं। फिर अगला काम ये, बच्चों से खुद मिलें, उनसे बातचीत करें, उन्हें सोशल करें, अपने साथ बिठाएं, उनकी सुने,
उनके गोल्स की बात करें, उनके ख्वाबों की बात करें। मैं तो बड़े लोगों को टास्क देता हूँ कि दिन का एक घंटा बगैर किसी वजह से अपने बच्चों को जरूर दें, बगैर किसी वजह के। यानी बच्चे शक में पड़ जाए, हुआ क्या पापा को, हुआ क्या मामा को, एक घंटा उनके साथ बैठ के उनको सुने, सुनाएं, गप्पे लगाएं, शेयर करें, एक खाना मिलके खा लें, घर में जगह जगह लगा दें लिख के मोबाइल फोन का इस्तेमाल यहाँ मना है, खाने की टेबल पे मना है, बातचीत की जगह पे मना है। आप जब ये करेंगे तो यकीनी बात है ये तहरीक है, ये एक बंदा नहीं पूरा घर मिलके इसको ला सकता है। अच्छा एक और मिसाल मैं दूंगा ये कुछ वक्त जाया करने वालों की, मैं असल में चाह रहा हूँ जो मेरे तजुर्बे हैं वो सबके काम आ जाए। कुछ मेहरबान होते हैं वो हर दिन या हर दूसरे दिन कॉल करके पूछते हैं, सर अस्सलाम वालेकुम, सर आप ठीक ठाक है? अच्छा मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हाल पूछना सी। अच्छा मैं कहता हूँ यार जिस दिन खराब होगा बता दूंगा, ये हर दूसरे दिन कॉल करके मुझे क्यों पूछते हो? अच्छा आखिरकार क्या होता है इस तरह की, आप कॉलर अटेंड करना छोड़ देते हैं, नंबर ब्लॉक कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ब्लॉक तो नहीं कर सकते, ज्यादा बुरा लगेगा, ठीक है, लेकिन आप ये जानने वालों की बात कर रहे हैं। हाँ। एक है अनजान, वो तो ब्लॉक हो गया ना, जानने वाला बंदा जब इस तरह के काम करेगा, सर मेरा दिल कर रहा था, मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा चले सर को कॉल करके पूछते हैं सर का क्या हाल है, ये एक लहजे से कॉल आएगी, कसम ये अच्छी बात नहीं है, ये तो आपसे मोहब्बत के इशारे ही तो बता रहे हैं कि 10 दिन बाद को महीने बाद। अच्छा, अगर दूसरे चौथे रोज कॉल आने लग पड़ी है, ठीक। मेरे लिए मेरी पोजीशन पे आके सोचें, कॉल एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कॉल करने का मतलब है कोई बात बतानी है या बात सुननी है, जस्ट हाल ही पूछना, और सुनाओ जी, हूं और सुनाओ जी, हूं थोड़ा या और सुनाओ जी। अब होगा क्या कि जब और सुनाओ जी होगा तो मेरी एवरेज कॉल सुनने और काटने का टाइम मैंने देखा 1.5 मिनट है। और सुनाओ के बाद मैं बड़े लोगों के साथ बातचीत करते बता रहा हूँ, सेलिब्रिटीज के साथ बात 1-1.5 मिनट बात खत्म हो जाती है। हुन होर सुनाओ जी में जब जाएंगे तो नतीजा क्या होगा, आप चिढ़ेंगे, अल्टीमेट क्या है, आप कॉल अटेंड करनी छोड़ देंगे। तो मेरे वो तमाम दोस्त जो कॉलें बेवजह लोगों को करते हैं, मेहरबानी फरमा के कॉल बामकसद करें, मैसेज बामकसद करें, ये आदत डालें कि आपने काम की बात करनी है उसकी वर्थ है, फॉरवर्ड मैसेज की कोई वर्थ नहीं है। मोहब्बतों भरी दुआएं दिल में एहसास ना हो सुबह सुबह भेजने का कोई फायदा नहीं है। और ये जो आधे लोगों को भेजते हैं ना, मेहरबानी करके ये फॉरवर्ड दुआएं देना भेजनी छोड़ दें, इसे इस पे किसी पे असर नहीं होता इन दुआओं का। दुआ वो होती है जो गुदास से दिल में होती है, फॉरवर्ड मैसेज में दुआ नहीं होती। ठीक है जी, कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही अहम इशू है कि हम लोग बिल्कुल भी अपनी यूथ को, देखने वालों को अवेयर नहीं कर पा रहे कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन का कितना इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल नहीं करना। कासिम साहब देखने वालों को क्या पैगाम देने वाले हैं? देखें जी, मैंने तो आपको क्या बामकसद ज़िंदगी बनाए, ये सारी चीज़ें जिन मुल्कों में बनी हैं, जिन्होंने बनाई हैं वो इन्हें कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरह ये आ गया, अगर आपके हाथ में अगर दरियाफ्त हो ही गया दुनिया में मेहरबानी करके मोबाइल फोन, तो इसे बामकसद इस्तेमाल करें, इसे इतना इस्तेमाल ना करें कि ये आपको इस्तेमाल करने लग पड़े। बेहतरीन पैगाम है, बहुत शुक्रिया मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब हमारे साथ।